जिस रफ्तार से कोरोना वायरस डिजीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, उतने ही पास हम कोविड-19 के एपिडेमिक यानी महामारी के पास जा रहे हैं। तो देखते हैं फिलहाल इंडिया में कोविड-19 की क्या सिचुएशन है। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है इन द इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च टाइटल्ड प्रूडेंट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द कोरोना वायरस डिजीज 2019 ट्रांसमिशन इन इंडिया, अ मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अप्रोच। इस स्टडी में ऑथर्स ने इंडिया में कोविड-19 की करंट सिचुएशन का एनालिसिस किया है। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें जिसमें कि वाई एक्सिस में केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोविड-19 के और एक्स एक्सिस है नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिनों में ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स कोविड-19 की बीमारी दो स्टेजेस में आती है। पहला एक एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होता है जहाँ पे कि पेशेंट कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता है। ये स्टेज 3 दिनों तक चलता है और उसके बाद सिम्टोमेटिक स्टेज आता है जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जैसे कि सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी आना, जो कि 3 दिनों तक होता है। इन दोनों स्टेजेस के बीच का जो फेज है ट्रांसमिशन स्टेज का, ये स्टेज बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसी स्टेज में बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। अब अगर हम इंडिया के स्टेटिस्टिक्स देखें, शुरू के 50 केसेस 40 दिनों में रिपोर्ट हुए थे, नेक्स्ट 100 केसेस 5 दिनों में, 150 केसेस अगले 3 दिनों में और अगले 200 केसेस सिर्फ 2 दिनों में रिपोर्ट हो चुके थे। तो इसमें अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो रेड लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और कुछ दिनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। सो इस ग्राफ का जो पीक है वो एपिडेमिक है, यानी अगर इंडिया में 10,000 केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं दैट वुड बी द स्टेज ऑफ एन एपिडेमिक। फिलहाल इंडिया में 469 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। WHO के स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अभी फेटालिटी रेट कोविड-19 की 3.4% है। अगर इसी एक्सपोनेंशियल तरीके से इंडिया में लोग कोविड-19 से अफेक्टेड होते चले गए सो मई के एंड तक 1 मिलियन लोग अफेक्ट हो चुके होंगे कोविड-19 से, जिसमें से 30,000 लोगों की मौत हो चुकी होगी। और अगर हम हेल्थ सिस्टम की बात करें, इंडिया में 1,000 लोगों पे सिर्फ 0.5 बेड अवेलेबल हैं। अगर इसी तरीके से कोरोना वायरस फैलता चला गया तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतने सारे केसेस को हैंडल नहीं कर पाएगा और हम एक एपिडेमिक स्टेज में आ चुके होंगे। इस स्टडी में ऑथर्स ने एक ऑप्टिमिस्टिक मॉडल प्रेजेंट किया है 2 फैक्टर्स के बेसिस पे। पहला, एंट्री स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैवलर्स विद सिम्टम्स सजेस्टिव ऑफ कोविड-19, यानी कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाए कोरोना वायरस के सिम्टम्स के लिए। और दूसरा फैक्टर है कि सोशल डिस्टेंसिंग सीरियसली और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, रूल को, सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। इन दो फैक्टर्स को अगर स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए तो पाया गया कि क्यूमुलेटिव इंसिडेंस 62% रिड्यूस हो जाएगा और पीक प्रिवेलेंस 89%। और अगर हमें ग्राफ प्लॉट करें तो ये ब्लू ग्राफ ऑप्टिमिस्टिक मॉडल है, यानी इन दो सिचुएशन में ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। क्यूमुलेटिव इंसिडेंस 62% डिक्रीज होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस 62% से डिक्रीज हो जाएंगे। और पीक प्रिवेलेंस यानी कि जो ग्राफ का पीक है, दैट इज द डे वी विल रीच द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, वो 89% कम हो जाएगा और ये ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। ये हम इस सिचुएशन में लेके चल रहे हैं कि 50% ऑफ सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो 3 दिन के अंदर क्वारंटीन हो जा रहे हैं। इस ग्राफ को फ्लैट करने से क्या होगा? अगर ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली बढ़ता चला गया तो हमारे हेल्थ सिस्टम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने सारे केसेस को वह हैंडल कर पाए। अगर हम इस ग्राफ को फ्लैट कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कम हो जाते हैं, दो के केसेस काफ़ी वक्त तक चलेंगे लेकिन हाईएस्ट लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। सो हमारी हेल्थ सिस्टम में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने नंबर ऑफ केसेस को हैंडल कर सके। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस एपिडेमिक कर्व को फ्लैट करें और एपिडेमिक तक ना पहुंचे। अब हम एक दूसरे स्टडी की बात करते हैं जो कि द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई है, एरोसोल एंड सरफेस स्टेबिलिटी ऑफ SARS-CoV-2 एज कम्पेयर विद SARS-CoV-1। तो ये स्टडी रॉकी माउंटेन लेबोरेटरीज में की गई थी जहाँ पे कि रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की कि SARS-CoV-2 वायरस है ये बाकी सर्फेसेस पे कितने देर तक सर्वाइव कर सकता है। रिसर्चर्स ने पाया कि एरोसॉल यानी ये जो
हवा में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनमें ये वायरस 3 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, और बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स यानी जस्ट 1 to 5 माइक्रोमीटर्स के ड्रॉपलेट्स जो कि हमारे बाल से भी 30 टाइम्स छोटे होते हैं, उन हवा के कणों में भी ये वायरस काफ़ी घंटों तक सर्वाइव कर सकता है। कॉपर पे ये वायरस 4 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है, कार्डबोर्ड पे 24 घंटे तक, स्टेनलेस स्टील पे 48 आवर्स तक और प्लास्टिक पे 72 आवर्स तक। ये डिफरेंस इस वजह से हो सकता है मे बी बिकॉज कार्डबोर्ड में नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि इस वायरस को एब्जॉर्ब करके जल्दी ही ड्राई कर देते हैं, और प्लास्टिक और मेटल में ऐसा नहीं होता है, बट दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स ये वायरस एरोसॉल और फोमाइट, एरोसॉल हुआ हवा में जो कण है और फोमाइट हुए इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जैसे कॉपर, कार्डबोर्ड, स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें, इन इन सब चीज़ों से भी ये वायरस फैल सकता है। रिसेंटली WHO ने 5 स्टेप्स टू किकिंग आउट कोरोना वायरस कैंपेन स्टार्ट किया है। ये 5 स्टेप हैं जिससे कि आप कोरोना वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। ये कौन से 5 स्टेप्स हैं? हैंड्स, एल्बो, फेस, डिस्टेंस एंड फील। पहला है हैंड्स, यानी कि हाथों को साफ रखें, हाथों को रेगुलरली और फ्रीक्वेंटली साबुन और पानी से धोएं। अगर आपके हाथ गंदे हों तो 30 सेकेंड तक साबुन और पानी से धोएं, और अगर हाथों में गंदगी दिखाई ना दे रही है इन दैट केस आप साबुन और पानी से 20 सेकेंड तक हाथ धोएं, या आप एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए। सेकेंड स्टेप है एल्बो, यानी कि जब भी आप खांस या छींक रहे हों तो अपने एल्बोज को फ्लेक्स करें, एल्बोज को मोड़ें और मुंह को हाथ से कवर करें, टिश्यू का इस्तेमाल करें, और छींकने और खांसने के बाद उस यूज टिश्यू को एक कवर डस्टबिन में डिस्पोज कर दें ताकि दूसरों में ये इन्फेक्शन ना जाए। तीसरा स्टेप है फेस, यानी कि अपने चेहरे को गंदे हाथों से ना छुए, आपके चेहरे का जो टी जोन है आँख, नाक और मुंह, उन्हें गंदे हाथों से ना छुए। फोर्थ स्टेप है डिस्टेंस। अभी हमने पिछले स्टडी में भी देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है इस वायरस से लड़ने का, इस एपिडेमिक कर्व को फ्लैटन करने का, एपिडेमिक को रोकने का। सोशल गैदरिंग अवॉइड करें, भीड़ में रहना अवॉइड करें, इन्फेक्टेड पेशेंट से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, एक दूसरे से भी 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने से रोकता है। और फिफ्थ स्टेप है फील, अगर आप सिम्टोमेटिक फील कर रहे हो यानी कि आपको COVID-19 के सिम्टम्स आ रहे हो, जैसे कि आपको बुखार हो, आपको ड्राई कफ हो, आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, तो मास्क पहने और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जल्दी ही कॉन्टैक्ट करें। अगर हम CDC के रीसेंट अपडेट की बात करें तो SARS-CoV-2 दो मेन तरीके से फैल सकता है, दैट इज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आने से, 6 फीट से कम की दूरी मेंटेन करने से, और दूसरा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, यानी कि जब कोई इन्फेक्टेड इंसान छींके या खांसे से तो वायरस के कण आपके आँख, नाक और मुंह के थ्रू आपके बॉडी में जा सकते हैं और बीमारी फैला सकते हैं। इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए CDC ने कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स इम्प्लीमेंट किए हैं। WHO के 5 स्टेप्स की अभी हमने बात की, उसके साथ साथ ही अगर आप बीमार हो तो फेस मास्क पहने, अगर आप बीमार ना हैं तो फेस मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप किसी बीमार व्यक्ति की देख रेख ना कर रहे हो। अपने घर के उन चीज़ों को जिन्हें कि आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें रेगुलरली डिसइंफेक्ट करें। अगर आप बीमार हैं तो घर में रहें। जो लोग इस वायरस से सबसे ज़्यादा रिस्क में हैं वो हैं प्रेग्नेंट वेमेन, ओल्डर एडल्ट्स, और वो पेशेंट्स जिन्हें अस्थमा है या फिर जो कि HIV पॉजिटिव हैं। इम्पीरियल कॉलेज लंदन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80 साल के ऊपर के लोगों को इस बीमारी के 10 टाइम्स हायर चांसेस हैं। अपने घर को साफ रखें, डिसइंफेक्ट करें, स्पेशली वो सारे सर्फेसेस जो आप रेगुलरली छूते हैं जैसे कि टेबल, डोर नॉब, लाइट के स्विच, किचन के काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, आपके मोबाइल फ़ोन, कीबोर्ड, टॉयलेट, सिंक, सिंक के टैप्स एट्सेट्रा। डिसइंफेक्ट करते वक्त ग्लव्स पहने, अपने हाथों को रेगुलरली साबुन और पानी से धोएं, स्पेशली जब आप किसी बीमार इंसान की देख रेख कर रहे हो, खाना खाने से पहले और खाना बनाने से पहले,
वॉशरूम यूज़ करने के बाद और अपने घर के पेट्स छूने के बाद हाथ ज़रूर धोएं। वस्तुओं को डिसइनफेक्ट करने के लिए CDC ने हाउस होल्ड ब्लीच रेकमेंड किया है, जैसे कि डाइल्यूट करके आप डिसइनफेक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस ब्लीच को कैसे तैयार करना है, इसके लिए आप 5 टेबल स्पून या अबाउट 1/3 कप ब्लीच ले और उसे 1 गैलन ऑफ पानी, 1 गैलन जो कि अबाउट 4.5 लीटर होता है, 4.5 लीटर पानी में 5 बड़े चम्मच ब्लीच के मिलाएं। या अगर आप कम मात्रा में डिसइनफेक्टेंट बनाना चाहते हैं तो 4 छोटे चम्मच ब्लीच लें और उसे 1.13 लीटर पानी में मिलाएं। इस तरीके से आप अपना एक डाइल्यूटेड ब्लीच बना सकते हैं डिसइनफेक्शन के लिए। ध्यान रखें कि इस ब्लीच को अमोनिया के साथ या किसी दूसरे क्लींजर के साथ ना मिलाएं। अगर आपके पास ब्लीच ना अवेलेबल हो तो आप अल्कोहल सॉल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 70% अल्कोहल उसमें होना चाहिए। डिसइनफेक्शन के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये था कोरोना वायरस डिजीज 19 का प्रेजेंट सिनेरियो और किस तरह से हमें इस बीमारी को आगे फैलने से रोकना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।